The session is titled Hinduising Indian Democracy. I invite Dr. Ashok Dhable, who is the chair of the session. Dr. Ashok Dhable is the national president of the All India Kisan Sabha and has been one of the leaders of the recent Kisan Long Marches in Maharashtra. For those from Bombay and Maharashtra, he is also one of the strongest voices that we have had against communal and chauvinistic politics in Maharashtra. हमारे दूसरे वक्ता हैं कंवल भारती जी, जो रामपुर से यहाँ तशरीफ लाए हैं. कंवल भारती जी, प्लीज. कंवल भारती जी हिंदी जगत के एक प्रख्यात लेखक हैं, प्रगतिशील अम्बेडकरवादी चिंतन के एक हस्ताक्षर. उनकी कुछ प्रमुख किताबों के नाम यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ. दलित विमर्श की भूमिका, कबीर का ज्ञानोदय, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर अंबेडकर. कंवल भारती जी अंग्रेजी से हिंदी में इन्होंने कई किताबों का अनुवाद किया है जो काफ़ी पढ़ी जाती हैं. उन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं. 1996 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान, और अभी हाल में ही 2015-16 में दिल्ली सरकार की तरफ से हिंदी अकादमी के तरफ से उनको सम्मान मिला है. आवर थर्ड स्पीकर इज प्रोफेसर मंजरी काटजू. I invite you to the stage. Professor Katju is a professor of political science at the Department of Political Science, University of Hyderabad. Her main research areas is religious violence in India and the functioning of state institutions in India. She has also authored, she's going to speak about the main themes of one of her books. The book is called Hinduizing Democracy, VHP, Vishwa Hindu Parishad in Contemporary India, and another book called Vishwa Hindu Parishad and Indian Politics. The title is Hinduizing Indian Democracy. Actually, this is a contradiction in terms. Democracy and Hinduization are two opposite sides, absolutely. You cannot Hinduize democracy, you cannot Islamize democracy. You cannot Christianize democracy. Democracy is democracy. But we are reduced to a situation where we have to put a topic of this nature in our Mumbai collective today. And therefore, both our eminent speakers will certainly throw light on this topic. I first invite our first speaker, and that is Kanwal Bharti ji, to speak. And after that, Manjari Katju ji will also speak. Kanwal Bharti ji. Vishay RSS to Bahujan Samaj diya gaya tha, lekin isme democracy aur Hinduism kar diya gaya hai vishay. Bharatiye aap usi pe bole ji, aap jo bolne ke liye aaye the usi pe. Haan, main wahi aa jaunga. वो तो बोलने वाला वहीं चला जाता है जहाँ विषय कुछ भी किया जाए. बोलने वाला वहीं चला जाता है. तो धर्म और लोकतंत्र दोनों बड़े परस्पर विरोधी शब्द हैं. धर्म की एक मूल धारणा ये होती है कि एक ईश्वर ने सबको पैदा किया है, इसलिए सब समान हैं. ये धर्म के आम धारणा है. लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू धर्म में ये धारणा भी नहीं है. हिंदू धर्म में ये धारणा इसलिए नहीं है कि वहां ये तो सच है कि ईश्वर ने सबको पैदा किया है, लेकिन सच ये आंशिक सच है. ये पूर्ण सत्य ये है कि ईश्वर ने अपने विभिन्न अंगों से विभिन्न लोगों को पैदा किया. वहां मुख से कोई पैदा हुआ है, पेट से कोई पैदा हुआ है, और हाथों से कोई पैदा हुआ है, पैरों से कोई पैदा हुआ है. इसलिए वहां सबके पिता अलग अलग हैं. समानता वहां उनके बुनियाद में ही नहीं है. जब समानता हिंदू धर्म के बुनियाद में ही नहीं है तो लोकतंत्र से उसका कोई संबंध बन भी नहीं सकता. लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ही स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व है. और
मैं नहीं कह सकता कि आप मुझसे सहमत हों कि नहीं हों, लेकिन मेरा अपना अध्ययन ये कहता कि ये तीनों शब्द हिंदुस्तानी सभ्यता के संस्कृति के ही नहीं, ये हिंदू धर्म की सभ्यता में न संस्कृति में न समता शब्द है, न भ्रातत्व है, न समानता, न स्वतंत्रता है। ये तीनों शब्द हमको इस्लाम से मिले, या ईसाइयत से मिले, या अंग्रेजों से मिले, बाहर से मिले, और स्वतंत्रता, समानता, भ्रातत्व, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिन चक्तियों के वजह से मिले हैं, मेन कारण आरएसएस का उनसे नफरत करने का यही है। उसने उसका बना बनाया ढांचा खराब कर दिया इन दोनों ने। वो अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है सत्यानाश कर दिया। भारत में तीन क्रांतियां हुई, एक क्रांति बौद्ध क्रांति हुई, दूसरी इस्लामिक हुई, तीसरी ईसाइयत की हुई। बौद्ध क्रांति से तो उन्होंने निपट लिया, मारपीट के भगा दिया, सब मंदिर ध्वस्त कर दिए, उनके मठ ध्वस्त कर दिए, कुछ लोग बाहर विदेश भाग गए, कहीं भाग गए, खत्म कर दिया। फिर उन्होंने अपने आप ब्राह्मणिज्म को फिर से पुनरुद्धार कर लिया, लेकिन उनको यह आगाज नहीं था कि इसके बाद और बड़ा संकट आने वाला है, एक और बड़ी क्रांति होने वाली है। और जब भारत में मुसलमान आए, इस्लाम आया, सूफीज्म आया, तो प्यार मोहब्बत आई, समता आई, स्वतंत्रता आई, तो यहाँ की निम्न जातियों ने, जो ब्राह्मणवाद से पीड़ित थे, उन्होंने पहली बार जाना कि प्यार भी कोई चीज होती है, समानता भी कोई चीज होती है। तो सब दूर से उनको दुत्कारने वाली संस्कृति में जी रहे थे, घृणा की संस्कृति में जी रहे थे। उन्होंने पहली दफा स्वतंत्रता और सम्मान का एक स्वाद चखा। और दूसरा काम इस्लाम ने या मुस्लिम शासन ने क्यों किया, वो बड़ा भयानक हिंदुत्व के लिए किया, जिससे वो आज तक चोट खाए हुए हैं, और इसीलिए नफरत करते हैं मुसलमान कि उन्होंने शिक्षा को सार्वजनिक कर दिया था। जो इससे पहले केवल कुछ ही वर्गों तक से भी थी, शिक्षा को सार्वजनिक करने से निम्न वर्गों में शिक्षा का विकास, उन्हें मदरसों में प्रवेश मिल गया, पढ़ने लिखने लगे। आप कल्पना कीजिए कि अगर मुसलमान भारत में ना आए होते, न कबीर होते, न रहदास होते, और कबीर और रहदास ने वही लड़ाई लड़ी जो आधुनिक भारत में डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी। भारत में अगर अंग्रेज नहीं आए होते, ईसाइयत नहीं आ होती, तो डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं हुए होते, जो तुम्हारे फूले भी नहीं हुए होते। उन्होंने भी वही काम किया कि शिक्षा को सार्वजनिक किया। इन दो शक्तियों ने इस देश के उनको लोकतंत्र दिया, एक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया, समानता दिया, कानून के सामने सबको बराबर किया। बहुत सी प्रथाएं ऐसी थीं जो बड़ी क्रूर प्रथाएं थी, अमानवीय प्रथाएं थी हिंदुत्व की, उस पर बैन लगाया गया, उनको रोका गया, अनटचेबिलिटी पे कानून बनाकर रोका गया, सती प्रथा को रोका गया, बहुत सारे और भी चीज सुधार किए। मैंने समझता कि मेरे पास सब सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान में 1857 का जो गदर हुआ था, वो देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं हुआ था, वो अपने धर्म को बचाने के लिए हुआ। हिंदुओं ने अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए आंदोलन किया था, अपनी प्रथाओं को, अपनी संस्थाओं को बचाने के लिए किया था। वह अंग्रेजों के विरुद्ध जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, उसके खिलाफ आंदोलन था। और अगर वो गदर कामयाब हो जाता, तो आज लोकतंत्र देश में कहां होता, वो राजे रजवाड़े होते। आरएसएस की जो घृणा है मुसलमानों के प्रति, वो सिर्फ यही है। अतः इसमें भी इसके दो रूप हैं। इलियट जो
जो मुसलमानों से वो भी रोजी रोटी की रिश्ते रखते हैं। आप बीजेपी का आरएसएस का कोई नेता बता दीजिए जिनके घर में मुस्लिम लड़कियां या ना हो, सबके उनके शादी ब्याह है। निम्न वर्ग के मुसलमानों को निम्न वर्ग के दलितों को नहीं मिलने देते हो। हिंदू मुस्लिम जहां दंगा होता है यही दोनों मारे जाते हैं। मैं और जिलों की बात नहीं करता और शहरों की बात नहीं करता, लेकिन अपने शहर की बात और अपने पूरे प्रदेश की बात बता रहा हूं मैं। दलित जातियां और मुस्लिम जातियां दलित एक ही मोहल्ले में पास पास रहते हैं, छतें मिली हुई हैं, आमने सामने घर हैं, कभी कोई झगड़ा आपस में नहीं, एक दूसरे के सुख दुख में सब शामिल होते हैं। और जब से आरएसएस ने जहर फैलाया है तब से नफरत बढ़ गई है। दंगे होते हैं वही दूसरे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, जो दंगे करवाते हैं वो घरों में हवेलियों में बंद रहते हैं, उन पर कोई आंच नहीं आती। वो ईद किस्म के मुसलमान और ईद किस्म के हिंदू हैं, दंगों में मारे जाते हैं दलित, दंगों में मारे जाते हैं दलित मुसलमान, दलित वो जितने भी हिंदू को वो दंगों के बीच वो बन जाते हैं हिंदू और वो बन जाते हैं मुसलमान, और दंगे जब खत्म हो जाते हैं तो वो चमार हैं, नंगी हैं, फांसी हैं, कहाँ हैं, तब वही घृणा उनके साथ। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ पूरा बीजेपी का गढ़ है, आरएसएस में वहां पर शाखा शुरू कर दी है, सारे लोग सब पिछड़े जातियों का पूरा है। वो पिछड़े जातियों को अनपढ़ जाहिल बनाकर उन्होंने अपने हिंदू फोर्ड में मोड़ लिया है। कुछ थोड़ा बहुत जागरण उनमें आया है और वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ तनातनी रहती है उनके अंदर। हम उनसे पूछते हैं भाई मुसलमानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम आरएसएस की लड़ाई तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारे दुश्मन वो कैसे हो गए। और आरएसएस से भी के भी हमारे कई मित्र हैं, उनसे भी हम बातचीत होती है, हम उनसे ही पूछते हैं कि बताइए देश के अंदर दलित तो पिछड़ जाते हैं, चलो अपने रोजगार की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, ये बेचारा तो तुमसे रोजगार भी नहीं मांग रहा है, जो सड़कों पर तुम्हारे खिलाफ उतर भी नहीं रहा है, तुम्हें तुम्हारा इसमें क्या बिगाड़ा है जो तुम इनको मार रहे हो। उसके पीछे कारण क्या है कि दलित और मुस्लिम एक ना हो जाए। आरएसएस के बारे में आमतौर पर जितना भी मैंने पढ़ा है, जो किताबें मिली हैं हिंदी में तो बहुत कम आई हैं, अंग्रेजी में ज्यादा आई हैं, उन सब ने आरएसएस को एक एंटी मुस्लिम संगठन के रूप में देखा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मुस्लिम संगठन उतना नहीं है जितना वो दलित और पिछड़ा विरोधी संगठन है। वो मुस्लिम विरोधी संगठन उतना बड़ा नहीं है, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ उसने कोई योजना नहीं बनाई है अब तक, बीजेपी के किसी शासन में नहीं बनी, पर वो डरा के धमका के मारकूट के रखता है। लेकिन दलितों और पिछड़ों को बर्बाद करने के लिए उसने निरंतर योजनाएं बनाई है। उसको विश्वविद्यालयों में जाने से रोका है, उनको आरक्षण पर पाबंदी लगाई है, बहुत सारी आप मैं कह नहीं सकता कि कितना उसने गरीबों और पिछड़ों को बर्बाद करने के लिए कितनी योजनाएं बना रखी। जितने भी आरएसएस के सत्संग होते हैं, सत्संगी साधु, सब पिछड़ी जातियों में हर हफ्ते सत्संग करते हैं, सब पिछड़ी जातियों में, ब्राह्मण ब्राह्मणों के घरों में नहीं जाते, उनकी बस्तियों में नहीं जाते, पिछड़ी जातियों में। जैसे कहावत है कि हर एक कोस पे पानी बदले चार कोस पे पानी, वहां पर हर एक कोस पे मंदिर मिल जाएगा आपको, एक बहुत बड़े मोहल्ले के अंदर चार पांच मंदिर मिल जाएंगे, वो चार पांच वहां सत्संग चल रहा है, उनको वही कहानियां सुनाई जाती हैं जिनमें शूद्र जो है गुलाम है, जिनमें स्त्री जो है दासी है, जिसमें ब्राह्मण उच्च है, इसमें स्वर्ग मिलता है ब्राह्मण की सेवा करने से, जिसके अंदर आप जो नीच बने हैं गरीब बने हैं तो पूर्व जन्म के परवान के अनुसार बने हैं। आप इस जन्म में अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे जन्म मिलेंगे, उनको सुनाया जाता है, और उनका जो उनका ज्ञान का स्तर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें वो उनको उसके अंदर क्वेश्चन करने की शक्ति क्षमता नहीं है उसके अंदर, तो वो जानबूझ के उसको कर रहा है। लेकिन दलित उसके कब्जे में नहीं आ रहा है, क्योंकि दलित अंबेडकर
जब तक वो दलितों को अंबेडकर से हटाएंगे नहीं, दलित उसके फोल्ड में आएंगे। हालांकि जो कुछ अति दलित जातियां हैं वो उसने अपने फोल्ड में कर रखी हैं, लेकिन दलित जो मोस्ट अंबेडकर वाले दलित है वो उसके पूरे आरएसएस के पूरे हिंदू राज की हवा निकाल रहा है। इसलिए वो दलितों के सबसे बड़ा एंटी दुश्मन बना हुआ, सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ आरएसएस दलितों का इस वक्त। आप देखिए उसकी जितनी भी योजनाएं हैं वो लगती हैं आपको कभी मुसलमानों के लिए, लेकिन वो सब दलितों के खिलाफ है। चाहे लव जिहाद ले लीजिए, धर्मांतर के खिलाफ उनका को दे लीजिए। लव जिहाद का क्या मतलब है भाई? एक वाल्मीकि की लड़की ने किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ली या प्यार कर लिया, पहुंच गए बजरंग दल वाले, उसको मार कूट करके उसको लव जिहाद घर वापसी करा दी। घर वापसी का मतलब है भंगी के भंगी बने रहो, चमार के चमार बने रहो, वहां नहीं जाओगे तुम। तो किसके विरुद्ध है ये लव जिहाद? मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, दलितों के खिलाफ है। घर वापसी दलितों के खिलाफ है, गौरक्षा दलितों के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ नहीं। मुसलमान कहां का है पालता है? कुछ जातियां हैं गद्दी घुसी टाइप की, वो दूध पीते, लेकिन अब तो दलितों ने पिछड़ों जातियों ने भी गाय पालना ही बंद कर दिया। जो दलित गाय का जो रोजगार गाय के साथ जो बड़ा बंधा हुआ था चमड़े का, ये सब सब बेरोजगार हो गए पूरे के पूरे। गाय को ले जाते सब ले देख लिया तो उसको पकड़ के लिंचिंग कर दी। तो गाय के बहाने, लव जिहाद के बहाने, घर वापसी के बहाने टारगेट किया जाता है दलितों को। कितनी घटनाएं बता दूंगी, ऊना में घटना है, झज्जर में घटना, हरियाणा में हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। तड़पा तड़पा के मारा है, मरी हुई गाय का खाल निकालने पर भी मारा है, जिससे बहुत बड़ा आंदोलन चला गुजरात में, और वहां मगरमच्छ के आंसू बहाए थे मोदी जी ने कि इनको मत मारो, मुझे गोली मार दो। और क्यों बहाए थे? और क्योंकि वहां के दलितों ने सड़कों पर मरे हुए कंकाल फेंक दी थी जानवरों के, बस सड़कों पर फेंक दी, उठाओ तुम्हारी माता है तो अपना उठाओ। जीते जी तुम्हारी माता है और हाथ लगाई तो अछूत हो गई, मरती अछूत हो जाती है वो, हाथ पर हाथ नहीं लगाती उसे, जिंदा है तो तुम्हारी माता है। तो पूरा का पूरा अंदर सिस्टम जो है इस तरह पूरा दहशत वाला चल रहा है। दलित इसको समझ रहा है, अच्छी तरह से समझ रहा है। और वो बाबा साहब अम्बेडकर तो शुरू में कह रहे थे कि हिंदू राज अगर देश में बन गया तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि ये फासिज्म है, ये किस्म का फासीवाद है, आरएसएस की पूरी विचारधारा फासीवाद है। अब दलितों को पिछड़ों को लेने की उसकी एक मजबूरी है, क्योंकि हिंदू राज ब्राह्मण ठाकुर बनिए से तो बनेगा नहीं, ब्राह्मण ठाकुर बनिए से हिंदू राज बनता होता, जब तक बन गया होता जो 300 पहले थी उसमें हिंदू फोल्ड में है। हिंदू राज बनाने के लिए उनको बहुसंख्यक समाज चाहिए, आदिवासी चाहिए, बैकवर्ड्स चाहिए, दलित चाहिए। इसलिए उसके सारे कार्यक्रम जितने भी हैं, जैसे काउंटर रेवोल्यूशन के जितने भी उसके कार्यक्रम हैं, हिंदुत्व को फैलाने वाले, हिंदुत्व के जहर को फैलाने वाले, मनुस्मृति के जहर को फैलाने वाले, वो सब पिछड़ों में चल रहे हैं, सब दलितों में चल रहे हैं। कोई भी हिंदू त्यौहार आता है, 50 साल पहले हमने तो अपने बचपन में त्यौहारों पर इस तरह का देखा नहीं था, उन्माद जिस तरह से अब उन्माद दिखाई देता है। होली आती है तो, दिवाली आती है तो, दुर्गा पूजा आती है तो, जरा कहाँ से निकल पड़ते हैं वो लोग, मोहल्ले के होते भी नहीं है, पहचान नहीं पाते कि कहाँ से आए हैं, पूरी झांकियों के साथ हाथ में त्रिशूल लिए हुए और पूरा नाचते गाते दहशत फैलाते हुए, तो उनको उधर से निकलते हुए डर लगता है। अब ये होता है वो सब बैकवर्ड्स में होता है, अरे एक भी उधर नहीं जाता जहाँ ब्राह्मण रहते हैं या ठाकुर रहते हैं, मनी वहाँ नहीं जाता कोई भी, सब यहीं से निकलते हैं, सब दलितों की बस्तियों में जाते हैं, पोस्टर लगाते हैं तो उनकी बस्तियों में लगाते हैं। तो क्योंकि उनको बिना बैकवर्ड्स को लिए हुए, बिना दलितों को लिए हुए, बिना आदिवासियों को लिए हुए उनका हिंदू राज बनता नहीं है,
इसलिए उनका ये सब चल रहा है, आदिवासियों के बीच में चल रहा है, उनको वो वनवासी बोलते हैं शायद, और आदिवासी भी नहीं कहते, वनवासी बहुत बोलते हैं उनको, उनके अंदर ना हनुमान के लॉकेट बांट रहे हैं, उनको हिंदू बना रहे हैं, वो हिंदू बन गए, हिंदू लॉकेट बांट करके। ईसाइयों से नफरत क्यों करते हैं? दलितों से, दलितों का जो संबंध मुसलमानों से जुड़ गया, ईसाइयों का जुड़ गया ना आदिवासियों से, वो आदिवासी वो उड़ीसा वगैरह में इन्होंने मारपीट मचाई है, तमाम की तरफ से बाघ लगाई है, कितने मगर कतलेआम करा आरएसएस के लोगों ने ईसाइयों का, सिर्फ इसलिए कि ईसाई मिशनरीज उन बेचारे भोले भाले अशिक्षित आदिवासियों को इंसान बना रहे थे, उनको शिक्षित कर रहे थे, उनको पढ़ा लिखा रहे थे। मैंने कहीं पढ़ा था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, किसी केरला के अंदर जब ईसाई मिशनरीज आए थे तो उन्होंने एक ऐसी प्रथा को वहां पर समाप्त किया था जहां आदिवासियों के अंदर सीना खुला रखती थी औरतें, और जो सीना खुला नहीं रखती थी वहां पर उनको जो है टैक्स देना पड़ता था। ईसाइयों ने उस प्रथा को दूर किया, उनको शिक्षित किया। आप कल्पना कीजिए अगर रांची वगैरह में अगर जेवियर्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं होती, ईसाइयों ने तुमने ये इदारे कायम नहीं किए होते तो क्या उनका डेवलपमेंट हो जाता, उनका विकास हो जाता? नहीं हो पाता था। साथियों समय का अभाव है और इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, और मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि मैं आरएसएस को एक दलित और पिछड़ा विरोधी आदिवासी विरोधी संगठन मानता हूं, और ये उसके दृष्टि में सबसे बड़ा दुश्मन यही है। धन्यवाद। You all in this struggle for secularism, for safeguarding our democracy, for our pluralism. And since morning we have been talking about democracy and the onslaught on democracy which has been happening since 2014. And I want to take up the same theme. I have researched on the VHP since 93, but I'm not going to sort of go into the details of that. But I want to take a few finer points, raise a few finer points about democracy, democratic rule, where the Hindutva forces, the Sangh Parivar, tends to come in and cause a lot of confusion about what is majoritarianism, what is majoritarian rule, what is majority rule. And we tend to confuse the meaning of democracy. So these are the few things I want to raise today. In fact, want to sort of pick up a few of these strains to make our struggle for democracy, democratic thought, freedoms, our liberties, stronger, the struggle stronger here. Democracy, I remember when we were researching, and in fact, away from that as well, in the 1990s, whenever we talked about democracy, we always had a celebratory tone. We used to talk about it in a festive way, in a congratulatory manner, that we have achieved so much in our democracy, and a lot was written about it. And this is not something which, this is the first time I'm raising this. This is something which goes without saying. That we were very congratulatory about a democracy. We took it as a festive thing, a celebratory thing, and it was a good thing. But and this was always pre 2014. But after 2014, 2013, 14. Starting from the Muzaffarnagar riots, whenever we have been talking about democracy, it's with a sense of heaviness, a sense of foreboding. We feel a little depressed about it. And this is such a stark contrast, and I draw the line, at 2013-2014, that when we talk about democracy, we feel a sense of, low, that we are sinking. And, a lot had been achieved before that. It was admitted that democracy, we have made advances, but some people said that the advances are about procedural democracy, that there have been advances on the parliamentary structural side, the federalism, even the election commission, there were commentaries that it's doing so well in managing democracy, such a big democracy, and the successes associated with it. But there were also commentaries that substantive side we haven't achieved much, and we have to make strides there in terms of women's rights and more on freedoms and liberties and speech and expression and things related to the girl child.
So a procedural side, we had made advances. Substantive side, there's still a lot to achieve. But then it was also pointed out that successes in procedural side are important for making strides on the substantive level to achieve substantial gains in the democracy which we had. Now, our democracy, as I said, after 2013-14 has come under strain. There are onslaughts on all sides, and onslaughts not only on the minorities, but on the upholders of secularism, on the upholders of rational thought. There have been attacks and deaths of rationalists, killing of rationalists. There have been attacks on the upholders of civil rights. There have been attacks on people who have worked for the workers' rights, farmers' rights, and the list goes on. And you know, these are onslaughts, these are attacks which, I mean, we just cannot simply say that the attack on minorities and then all of us are safe, other people are safe. No, on all sides there have been attacks, and again, this is something which goes without saying. This is something not new which I'm stating here. But what I want to bring forward here in this forum is that it's not only about the attacks on democracy, but also about recasting of democracy, which I've called Hinduising of democracy. And I agree with the chair that the two don't go together, but this has been the attempts of the Hindutva forces to sort of confiscate the meaning, to confuse the meanings, to collapse the meanings of majoritarianism and democracy. And what is something which we have to note is that the tools of democracy, the intellectual tools, the language of democracy is used to push forward Hindutva. So the language is the same. Language is of rights, of justice, of secularism, of popular movements, and all these tools, the intellectual tools, the tools of language, which are associated with liberal democracy, people's democracy, they are used to advance, to take forward the cause of Hindutva. And this is something where the meaning gets confused, that yes, you know, we feel that this is what majority rule is all about. This is what people's rule is all about. And when we talk about majority rule, it's about the will of the people. But we have to remember that this is not democracy. Here, democracy has been reduced to an ethnocracy. And what is masquerading as democracy is rule of only some, not of all. That is an ethnocracy which masquerades, which masks as democracy. And I think this is something which credit goes to the Sangh Parivar for doing this, for bringing together, collapsing the meaning of majoritarianism and majority rule. And this is something where we have to be very careful. We have to be very careful in devising our struggles, in devising our fights for freedoms and for liberties. So this leads me to the second point, that the meaning of democracy is drained of its real, actual, truthful meaning. And in that mold, those molds which are there, a new meaning is put, a new meaning is poured, and that obfuscates the real meaning of what we sort of mean when we say is democracy, is freedom, is you know, which stands for individual liberties, what stands for little rights which we have, everyday rights, and we are told this is what we have to you know, all our small freedoms and liberties, which mean a lot, which might be small, but which mean a lot in everyday life. What to wear, what to eat, whom to take as a partner, whom to marry, how to travel, which jobs to take. All these comes in little messages. What to do, where to stand, what is national, what is anti-national. And these messages come to us as messages of democratic rule, of democracy. And here we have to be very clear that this is not what is democracy, and how the meaning gets obfuscated, confused, and the real meanings are drained out, and democracy is recasted in something which is not democracy at all. So the rhetorics come to us
again, they are, they confuse us, they are, they make us very happy at a momentary level, but something which don't go with us, don't go with the constitutional spirit in the long run. And we have to remember, I think this is again something which we, which goes into the background every time. What we have to remember that there's an entire machinery behind creating this new confused meaning of democracy. There are school systems, there is civil society, there's the entire media, there's magazines, there's a labor organization, there's a volunteer force working 24 hours, 24/7, trying to see to it that this is what is advanced, this is what is pushed forward in the name of democracy, democratic culture, will of the people. What is will of the people? Is it will of all or will of some? And this is something which stares at us right now. It sort of, we have to see through it. It sort of comes to us and we see that this is what democracy has been reduced to and being pushed forward in our face, in the face of the freedoms and constitutional liberties which we enjoy. So we should not fall for this rhetoric. In fact, such forums, we have all got together, and something which the solidarities which we forge here are something which are very important, which are essential, that we sort of get together with each other and carry on or strengthen our struggles for a more democratic, constitutional democracy, and a democracy which is real, which is truthful, and is not a false mask of majoritarianism. Thank you. Aaj ke din रामदास अठावले, रामविलास पासवान, उदित राज तीन जाने माने दलित नेता ये बीजेपी के साथ है। पिछले दिन मायावती जी भी थी, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हालांकि मैं किसी राजनीति से जुड़ा नहीं हूँ, इसलिए ये सवाल का जवाब मैं देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक लेखक के नाते, एक आलोचक के नाते, जिन आपने नाम गिनाए, ये हमारे नायक नहीं हैं। इन्होंने रत्ती भर दलितों के लिए काम नहीं किया, टुकड़खोर लोग हैं ये। इनसे कुछ, इनसे ना कोई उम्मीद रखनी है, ना रख सकते हैं, ना रखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अब अम्बेडकर जैसा नेतृत्व तो पैदा होना बहुत मुश्किल हो गया। ये ऐसे ही नेता पैदा हो रहे हैं, ये अपने सुख के लिए, अपने मुक्ति के लिए राजनीति में गए हैं। दलितों की मुक्ति से इनका कोई वास्ता नहीं है, ये अपने मुक्ति के लिए हैं। और मायावती जी भी उसी रास्ते पर चल रही हैं, वो भी कोई, उनका भी कोई अब डिफरेंट अलग रास्ता हमको दिखाई नहीं दे रहा है। वो जिस रास्ते, जिससे उन्होंने संघर्ष किया, कांशीराम जी कहते थे ना कि जिससे हमारा संघर्ष है उससे हम समझौता नहीं करते, और जिससे हमारा समझौता है उससे संघर्ष नहीं करते, और दोनों नियम वो अपने जीवन में तोड़ते गए। जिनसे उन्होंने समझौता किया उससे संघर्ष किया, समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह से, और जिससे उनका संघर्ष था बीजेपी से उसी से उन्होंने समझौता किया। बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने चार बार सरकार बनाई, और सच पूछिए तो आज बीजेपी जिस स्थिति में है, मजबूत स्थिति में, उसकी देन, उसका उसका योगदान इसके मायावती ही है, कांचरंग बाबू आंदोलन, उसके वजह से ही बीजेपी यूपी में मजबूत हुई। और आज भी अगर वो इस तरह से चलेंगे तो इनका जो अंतिम पारी खेल रही है उसके बाद तो खत्म ही है, पूरा मूवमेंट ही खत्म ही है। बहुत दूर तक सूर्य दिखाई दे रहा है, हम तो खुद चिंतित हैं, आप ही, आपकी चिंता में हम भी शामिल हैं। आपकी विचार सुनने के बाद मेरे मन में ये प्रश्न आया कि दुनिया में बहुत से इस्लामिक स्टेट्स जो है वो लोकशाही से या लोकशाही मूल्यों से मीलों दूर क्यों है? वो की मुँह तक तो मैंने कभी नहीं की है, वो क्यों है? हमें, हम तो अपने, हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे वैश्विक सरोकार हैं, जो हमारे अपने विचारधारा है, हम वहीं तक सीमित रहते हैं। लेकिन ये आप मान के चलिए, कोई भी धर्म से अगर हम किसी समाज को चलाएंगे तो वो उतना प्रगतिशील नहीं बन सकता जितना प्रगतिशील हम चाहते हैं। वो धर्म से कोई भी समाज प्रगतिशील नहीं बनता, क्योंकि धर्म की बुनियाद में प्रगतिशीलता नहीं होती है। वो तो प्रगतिशील हुआ ही नहीं ना, जो जो अवैज्ञानिक जिसकी समझ है, जो ये मान रहा है कि सब कुछ वही करता है, मनुष्य कुछ करता ही नहीं है, तो वैसे समाज कैसे बनेगा? समाज कैसे बनाएंगे, कैसे कुछ
व्यक्ति का विकास होगा, बने नहीं सकता। अब हम उनसे पूछे भाई कैसे बना दिया उसने सारा जगत, तो नहीं उन्होंने कहा हो गया तो हो गया, उन्होंने कहा पहाड़ बन गया तो पहाड़ बन गया। अरे ऐसे थोड़ी बनता है, पहाड़ कह दिया तो पहाड़ बन गया, कह दिया तो पानी बन गया, ऐसा नहीं बनता है। तो उन्हें अब कुरान में तो ये लिखा तो मन तो भाई तो फिर समाज नहीं फिर अपने आप को भी नहीं इससे निकलना। Let me just conclude it in 2 minutes by 4 bullet points. The first is, we look at democracy basically by respecting dissent and by respecting contrary opinions. That is how democracy we look at it. How does the Hinduization deal with it? It deals with it by the brutal suppression of all kinds of dissent. And when does it begin? It begins within 6 months of Indian independence with the assassination of the father of the country, Mahatma Gandhi, by Nathuram Godse, who was an RSS and a Hindu Mahasabha person. All of us know it. It then continues to the brutal suppression of Narendra Dabholkar, Comrade Govind Pansare, Professor M.M. Kalburgi, and the intrepid woman journalist of Bangalore, Gauri Lankesh. This is the way Hindutva deals with democratic dissent. There are 2 more examples which are talked about today everywhere in the country in whispers. I think we should stop talking about them in whispers. We should talk about them loud and clear. It is the death of Judge Loya. It is the death of a BJP former Home Minister of Gujarat, Haren Pandya. And we should ask who is responsible. The second point, we know democracy means the protection of minorities, religious minorities, linguistic minorities, social minorities, especially those who are the oppressed sections of society. How does Hindutva deal with this kind of democracy? Within 1 week of the Narendra Modi government coming to power, we had the murder of Mohsin Sheikh in the same state, in the city of Pune. An information technology young boy from Solapur, within a week of this government coming to power. And then we had, of course, Muhammad Akhlaq, we had Umar Khan, we had a number of Pehlu Khan, number of people all over on the listing of cow protection, cow vigilantes, all these things, these murders took place. Then we had the background of this first Mumbai collective, the institutional murder of Rohit Vemula, a brilliant Dalit student in the Hyderabad Central University. We had the Una floggings in Gujarat. And we had the attack on thousands of Dalits in Bhima Koregaon in Maharashtra on the 1st of January 2018. And today, 1.25 years after that, what do we see? The mastermind of those attacks, Manohar Bhide, is roaming about scot-free, and Dr. Anand Teltumde, Sudha Bharadwaj, and many other human rights activists are being now targeted, put in jail, or threatened to be put in jail by the Hindutva forces. This is democracy, Hindutva style. These are individual instances. I'm not talking about the mass instances about which references were made. The 1992-93 Mumbai riots, which the Justice Sri Krishna Commission said 900 people were killed in cold blood. The Gujarat Holocaust of 2002, more than 2,000 minorities were actually slaughtered
Hundreds of women were raped. Hundreds of small boys and girls. Petrol was cast on them, they were burnt alive in the Gujarat riots. Who was presiding over them? The current Prime Minister Narendra Modi was then the Chief Minister of Gujarat. The current BJP President Amit Shah was the Home Minister of Gujarat at that time. Point number three, democracy means protection of the institutions of democracy. Protection of the constitutional institutions, democratic institutions. And today's whole of the morning session, we have seen the attacks on the judiciary, the election commission, the Reserve Bank of India, the CBI, the Planning Commission, the National Statistical Commission, CSO, NSSO, the University Grants Commission, the Medical Council of India, and the entire media, which Sainath referred to in passing two or three times. The fourth and the last point, democracy cannot be consonant with fascism in any form. Fascism has been defined by Georgi Dimitro as essentially against democracy, essentially divisive, essentially pro-finance capital. And lastly, as part of this, I would simply like to give you two quotations. One by Savarkar. What does he say about fascism? I'm quoting. Savarkar says, "Surely Hitler knows what suits Germany best. The very fact that Germany or Italy has so wonderfully recovered and grown so powerful as never before at the touch of the Nazi or fascist magical wand is enough to prove that these isms were the most congenial tonics their health demanded." This is Savarkar talking about fascism. What does Golwalkar say about fascism? In We or Our Nation, it defines, all of you know this, "To keep up the purity of its race and its culture, Germany shocked the world by her purging the country of the Semitic races, the Jews. Race pride at its highest has been manifested here. Germany has also shown how well nigh impossible it is for races and cultures having differences going to the root to be assimilated into one united whole." And then he writes, "A good lesson for us in Hindustan to learn and profit by." You substitute Jews with Muslims. You substitute Jews with Christians. You substitute Jews with Dalits. And you get your answer of fascism and the Hindutva Brigade in India. And what does the present Prime Minister, Mr. Narendra Modi, who I hope at the end of May, we can refer to him as the former Prime Minister of India. What does he say about Mr. Savarkar, who was the only Hindutva person to have gone into jail? Only, but he was also the only person who gave not one, not two, not three, but five mercy petitions to the British asking to be left, and one of them was actually acceded to. He was left by the British. Ever since that, till the 15th of August 1947, there was not a single finger he lifted against the British imperialist rule. He was in fact one of the accused in the assassination of Mahatma Gandhi. About this Savarkar, Mr. Narendra Modi writes, I'm quoting Mr. Narendra Modi, "Savarkar means brilliance. Savarkar means sacrifice. Savarkar means penance. Savarkar means substance. Savarkar means logic. Savarkar means youth. Savarkar means an arrow. Savarkar means a sword." This is Mr. Narendra Modi on Mr. Savarkar. Finally, friends,
Finally, friends, 2-3 questions were asked. What is the way out? What do we do? I would just like to answer this question by quoting a poem by the great English poet Shelley. I'm just quoting 4 lines. He had said many centuries ago, very much this thing today, arise like lions out of slumber, in unvanquishable number, cast away the chains that have fallen in sleep on you like dew, for you are many and they are few. Thank you very much.